वेलकम टू माई चैनल लव गार्डन। मैं आज आपको अजेलिया और एंथोरियम प्लांट के केयर के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो ये प्लांट विंटर का है और स्प्रिंग में फ्लॉरिंग करता है, लेकिन प्रॉपर केयर से ये समर और मानसून में भी फ्लॉरिंग करता है। अक्सर शिकायत आती है कि अजेलिया का प्लांट या एंथोरियम का प्लांट ख़राब हो जाता है समर में या मानसून में। अजेलिया एक खूबसूरत हाउस प्लांट है जिसमें पिंक, पर्पल, ऑरेंज, रेड, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इस प्लांट की प्रॉपर केयर की जाए तो ये आपके गार्डन में कई साल तक बना रहता है। इसकी केयर के लिए पहले इसके टाइप्स को जानना जरूरी होगा। जैसे वाइट अजेलिया हॉट समर में सर्वाइव नहीं करता। हॉट शॉर्ट जेराट अजेलिया, इसमें ब्राइट रेड, पिंक, ऑरेंज कलर के फ्लावर थ्रू आउट ईयर आते हैं। ये 2-3 फीट तक टॉल होता है। अगर आप वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं तो अजेलिया को समर में हफ्ते में 2 बार वाटरिंग करनी चाहिए और विंटर में 1 बार। समर में इसे फुल सन में इसे बचाना चाहिए। इसे ऐसी जगह पर रखें जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ मानसून में पानी भी नहीं आता और सुबह या शाम की 1 घंटे की धूप इस पर आती है। अजेलिया प्लांट को बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे मानसून में उसे बचाना चाहिए और इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल ना आता हो। मानसून सीजन में इसे पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए हर 10-15 दिन पर, और फंगिसाइड का भी स्प्रे करना चाहिए। जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एंथोरियम का प्लांट है। एंथोरियम के 3-4 कलर के प्लांट मेरे पास हैं जो कई सालों से हैं। एंथोरियम और अजेलिया दोनों के लिए ही लूज वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए। सॉइल में कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा हो। 1 भाग गार्डन सॉइल कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट के साथ राइस हस्क मिलाकर सॉइल तैयार किया है। एंथोरियम प्लांट में 1 टेबल स्पून बोन मिल 2-3 मंथ पर देना चाहिए। इसे मानसून सीजन में वीक में 1 बार फंगिसाइड पाउडर पेस्टिसाइड पाउडर का स्प्रे करना चाहिए। एंथोरियम प्लांट में वाटरिंग तभी करें जब इसकी सॉइल बिल्कुल सूख जाए। उसको हाथ से टच करके देखें, अगर वो सूखी दिखाई देती है तभी उसमें वाटरिंग करें। इस पर वाटर का स्प्रे इनकी पत्तियों पर करते रहना चाहिए। अगर आप इसे घर में ड्राइंग रूम में विंडो के पास कहीं रखते हैं तो इसे इसकी पत्तियों को रोज साफ करना चाहिए जिससे कि इसके फ्लावर सुंदर दिखें। एंथोरियम प्लांट को रिपोर्ट कम से कम 2 या 3 साल पर करें जब ये फ्लावर पॉट भर जाए। इसकी रूट्स को अलग करके नए प्लांट बन जाते हैं। मैंने 2-3 प्लांट बना रखे हैं। मेरे पास ये पीच कलर, रेड, पिंक और ट्रैक कलर के एंथोरियम प्लांट हैं। ये बहुत इजली रूट से अलग हो जाता है। मॉर्निंग की सनलाइट पड़ने पर मेरे फ्लावर में देखिए बहुत नीचे से नए नए फ्लावर आ रहे हैं। रेनी सीजन के बाद ये बहुत अच्छे से प्लांट चलता है और फ्लावरिंग करता है। एंथोरियम प्लांट को केवल बोन मिल देती हूँ, जबकि अजेलिया प्लांट को स्टिक सॉइल होने के लिए एप्सम सॉल्ट और बोन मिल दोनों ही दिया जाता है। एंथोरियम प्लांट में 2 वैरायटी आती है, एक सॉर्ट लीव्स भी होती है और इसके फ्लावर भी छोटे होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये छोटी पत्तियों वाला है, इसमें रेड कलर के फ्लावर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। ये पीच कलर का प्लांट समर में थोड़ा सा बर्न हो गया है, इसकी पत्तियाँ ड्राई हो रही है। पूरे समर में मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा था जहाँ केवल इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आ रही थी। अब इनको मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पे कि मानसून में 1-2 घंटे की सनलाइट मिलती है। मानसून की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि पौधे गल जाते हैं बारिश के पानी से या तेज़ धूप से ख़राब हो जाते हैं। तो समर और मानसून में पौधों को बचाने के लिए ऐसी जगह पर रखें जहाँ सनलाइट तो आती हो, थोड़ी सी सनलाइट आती हो 1-2 घंटे की, और मानसून का के पानी से भी बचाएं। समय समय पर फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। पौधों को पहचानिए कौन से पौधे धूप के हैं और कौन से पौधे सड़ के रखे जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे,
और आपके गार्डन में कई सालों तक बने रहेंगे और आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल लव गार्डन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।